अब ये जो 31st है, मेरे ख्याल से असाइनमेंट के सारे इसी में डिस्कस हो जाएंगे। 31st की बात करूं, आपको मालूम है मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका कॉम्पोजिशन भी जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है। ये प्रॉपर्टी थी सेकेंड वाली, द कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब इनमें ना हम ये यूज करने जा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ cos x, cos x फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। एक्स स्क्वायर फंक्शन इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन, ये भी हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब आपको ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, कॉम्पोजिशन हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। आप ये सिंपल लाइन लिख सकते हो कि ये दोनों कॉन्टिन्यूस है तो इनका कॉम्पोजिशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस।